Hello friends, welcome to my channel, it's Baby Life. Today I'm going to discuss some more daily use sentences with interesting vocabulary plus some useful daily use phrasal verbs. उसने टेस्ट कॉपी पर अपनी मम्मी के नकली साइन किए. She faked her mother's signature on test copy. यहाँ फेक का मतलब है नकली साइन करना. ओके, नेक्स्ट इज, क्या तुमने मेरे नकली साइन किए? Did you fake my signature? नेक्स्ट इज, उसे बाहर नहीं जाना था इसलिए उसने सिरदर्द का नाटक किया. She didn't want to go out, so she faked the headache. यहाँ पे फेक का मतलब होता है दूसरा नाटक करना. मेरे सामने बहाने मत बनाओ. Don't concoct or fabricate excuses in front of me. नेक्स्ट इज, अ फ्रेजल वर्ब है रूल आउट. ये न्यूज़ में अभी रिसेंटली यूज हुई थी, जिसका मतलब होता है कि टू स्टॉप कंसिडरिंग समथिंग एज अ पॉसिबिलिटी, मतलब किसी चीज़ की संभावना को समझना बंद कर देना. सो एग्जाम्पल था कि एम्स रिपोर्ट रोल्ड आउट मर्डर इन सुशांत केस, मतलब एम्स रिपोर्ट ने मर्डर सुशांत केस में मर्डर को पॉसिबिलिटी समझना बंद कर दिया है. ओके, तुम उसकी परवाह करने का दिखावा क्यों करते हो? Why do you pretend to care about her? प्रिटेंड का मतलब था झूठा दिखावा करना. ओके, नेक्स्ट इज, तुम्हें इस इलाके के गुंडों से दूर रहना चाहिए. You should steer clear of the hooligans of this area. नेक्स्ट इज, स्टीयर क्लियर ऑफ मीन्स किसी चीज़ से दूर रहना. जब तक बिल्डर का काम खत्म नहीं हो जाता है तब तक उसको पैसे देना फ़ायदेमंद नहीं होगा. इट माइट नॉट बी एक्सपीडियंट और फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल टू पे द बिल्डर अनटिल हिज वर्क इज़ फिनिश्ड. It might not be expedient, fruitful or profitable to pay the builder until his work is finished. मैंने उसे चेस कॉम्पिटिशन में बुरी तरह हरा दिया. I trounced or pulverized or annihilated him in the chess competition. मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए हर महीने 10,000 अलग से रखती हूँ, मतलब सेव करती हूँ. I earmark rupees 10,000 every month for my kids' education. earmark का मतलब था रिजर्व या सेट असाइड. वो उसके साथ मेरे बारे में बात कर रहा होगा. He must be talking about me with him. जब आप 100% श्योर होते तो आप मस्ट भी यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज, वो शायद मेरे बारे में बात कर रहे होंगे. जब आप पूरी तरह श्योर नहीं होते तो आप बोल सकते हैं they might be talking about me. Fess up and own up एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग दैट समवन एल्स विल नॉट लाइक. मीन्स आपने कुछ गलत किया और आपको आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, मान रहे हैं उस गलती को. दैट इज़ कॉल्ड फेस अप और ओन अप. तुम मम्मी के सामने अपनी गलती मान क्यों नहीं लेते? Why don't you fess up to mom? नेक्स्ट इज, अब मान लो कि तुमने पैसे चुराए थे, मतलब अपनी गलती मान लो. Fess up or confess now that you stole the money. नेक्स्ट इज, उसे बहुत कम भूख लगती है. She has a very less appetite. ये एक सीरीज में यूज हुआ था. थायराइड मेरी जीवन भर की समस्या बन गई है. Thyroid has become my lifelong problem. Lifelong means जीवन भर की. ओके, उसके आने से पहले तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए. You should leave from here before he comes. Next is, तुम तो ऐसी नाटक क्यों कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं.
Why are you pretending like nothing has happened? Why are you pretending like nothing has happened? Next is, तुम हमेशा वो क्यों करती हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? Why do you always do that you shouldn't do? Why do you always do that you shouldn't do? Next is, मैंने पहले उसे इतनी मेहनत करते हुए कभी नहीं देखा है. I have never seen him doing so much hard work before. I have never seen him doing so much hard work before. Next is, उसे सिर्फ डींगे मारना आता है. He only knows how to brag. He only knows how to brag. Brag means डींगे मारना, ऊंची ऊंची फेंकना. तुम उसे पागल कर दोगी. You will drive him mad. You will drive him mad. Drive someone mad means पागल कर देना. इतने सालों बाद अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए. Seeing her son after so many years, she burst into tears. Seeing her son after so many years, she burst into tears. मैं उसका इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकता. I can't wait that long for her. I can't wait that long for her. Next is, चोर पलक झपकते ही पैसों के बैग के साथ गायब हो गया. The robber disappeared in the blink of an eye with the bag of money. The robber disappeared in the blink of an eye with the bag of money. Blink of an eye means extremely quick. Okay? तुम्हें एडवर्टाइजिंग पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए. यू शुडेंट स्पेंड ओवर स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग. यू शुडेंट ओवर स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग. ओवर स्पेंड मीन्स जितना प्लान किया था उससे ज़्यादा खर्च करते आना, एलोकेट हुआ था उससे ज़्यादा खर्च करना. अगर तुम इस पर ज़रूरत से कम खर्च करोगे तो तुम्हें क्वालिटी नहीं मिलेगी. सो ओवर स्पेंड का अपोजिट है अंडर स्पेंड. इफ़ यू अंडर स्पेंड ऑन इट यू वॉन्ट गेट द क्वालिटी. इफ़ यू अंडर स्पेंड ऑन इट You won't get the quality. तुम्हारी यही quality तुम्हें बाकी दुनिया से अलग करती है. This very quality of yours separates you from rest of the world. This very quality of yours separates you from rest of the world. मैं उससे कहीं ज़्यादा काम करती हूँ. I work way more than him. I work way more than him. Next is, टीवी देखते देखते मुझे समय का पता ही नहीं चलता. I can't even keep track of time while watching TV. I can't even keep track of time while watching TV. Next is, तुमने दरवाजे पर ताला लगाया है या नहीं? Have you locked the door or not? Have you locked the door or not? Here lock is the verb. Okay? मेरे 5 बजे तक घर पहुंच जाना. बच्चों को वार्निंग देते हैं. रीच होम बाय द टाइम आई काउंट अप टू 5. रीच होम बाय द टाइम आई काउंट अप टू 5. आई वॉन्ट टू थैंक यू गाइज अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी.